बाबर आजम ने की रमीज रजा की बोलती बंद, बोले एक ही दिन में नहीं बदल सकते। पाकिस्तान टीम इंडिया को अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट व्हाट्सअप से हार झेलनी पड़ी। सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज रजा ने टेस्ट में भी T20 प्लेयर खिलाने की बात कही थी। इस पर बाबर आजम ने कहा कि एक हफ्ते में एक दिन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अपने ही घर में पाकिस्तान टीम को टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने उसी टेस्ट सीरीज में 3.0 से क्लीन स्वीप किया। टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान को अपने ही घर में सूखड़ा सांप हार कर भारतीय टीम में बदलाव तय। दूसरे टेस्ट के इस खिलाड़ी को मिल सकता है डेब्यू का मौका। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर 1.0 से आगे है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल, पीसीबी चीफ रमीज रजा को किया बर्खास्त। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट रमीज रजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पर हटा दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस एक्शन को मंजूरी दी। उनकी जगह नजम सेठी को अध्यक्ष बनाया गया। एलेन डोलांड ने विराट कोहली की तुलना कर डाली सचिन तेंदुलकर से। ऐसे बल्लेबाज अगर बच जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और बांग्लादेश के मौजूदा बॉलिंग कोच एलेन डोलांड की टीम ने दिग्गज विराट कोहली की जमकर तारीफ की। डोलांड ने विराट कोहली की तुलना सचिन से की है। अक्षर पटेल बन सकते हैं भारत की ओर से ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज। पीछे छोड़ जाएंगे अश्विन, अनिल कुलाम्बे, हरभजन सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज। टीम इंडिया के बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। भारत की ओर सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अक्षर पटेल